अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। थ्री क्लास, टुडे वी विल रिवाइज पेज नंबर 10 to 14। सो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक्स। सो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू ओपन बुक पेज नंबर 10 एंड द क्वेश्चन इज राइट द नंबर नेम ऑफ दीज। सो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो यूनिट फ्रेजेस थी, ठीक है, वो हमने पढ़ी थी वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड, ठीक है। आज हम इसे आगे पढ़ेंगे 10,000, ठीक है। 1,000 के बाद क्या आएगा? 10,000, और हम 1,000 एंड 10,000 दोनों को इकट्ठा मिला के पढ़ेंगे, ठीक है। वन सेंटेंस को हम जिस तरीके से मिला के पढ़ते हैं, उसी तरह से 1,000 एंड 10,000 को भी हम इकट्ठा मिला के पढ़ेंगे, और जो 100 आएगा वो हम सेपरेटली राइट कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पे नंबर दिए गए हैं वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड एंड 10,000। थाउजेंड एंड 10,000 दोनों के मिलाएंगे तो ये बन जाएगा 45,000। आगे हंड्रेड के कॉलम में हमारे पास लिखा हुआ है 2, तो ये आएगा 200। एंड वन सेंटेंस पे क्या है? 34, 34 एंड 34, ठीक है बच्चों। आगे नेक्स्ट क्या है? जिस मैंने आपको कल भी बताया था कि प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जिस कॉलम में हमें ज़ीरो राइट करके ये दें, ज़ीरो राइट हुआ होगा, उसको हम यहाँ पे नेम में मेंशन नहीं करेंगे। तो ये आप आएगा 1,000 में है जी 8 और 10,000 में है 9, तो ये हम दोनों को मिला के पढ़ेंगे 98,000। देखिए, अब ज़ीरो जो है वो 100 के कॉलम में है, तो इसको हम यहाँ पे नेम में मेंशन नहीं करेंगे। वन सेंटेंस दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा 17 एंड 17। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, देखें, सिक्स, वंस पे सिक्स है, टेंस पे भी सिक्स है, हंड्रेड पे भी सिक्स है, थाउजेंड में ज़ीरो है और 10,000 में सिक्स है। तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे, सिक्स ज़ीरो को, तो ये बन जाएगा 60,000। आगे हंड्रेड के कॉलम में अगेन सिक्स है, 600। एंड वन सेंटेंस पे क्या है? 6 एंड 6, 66 एंड 66, ठीक है। ये रिमेनिंग क्वेश्चंस बच्चों आपने अपनी बुक पे सॉल्व किए हैं, तो ये आपने वहाँ से याद करने हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 11 पे क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द नंबर दैट मैच द नेम। अब आपको यहाँ पे नंबर नेम लिख के दे दिए गए हैं, अब आपने इनसे नंबर्स राइट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? 10,000। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये आपने इसका पीरियड सिस्टम राइट करना है, ठीक है। एंड देन आपने नंबर राइट करना है, जिस ये कॉलम का नंबर आपको उससे पहले जो लिख के दिया जाएगा, आपने उसी कॉलम में राइट करना है। यहाँ पे है 10,000, तो हम ये देखिए 10 इस तरीके से होता है ना, और 1,000 को हम मिला के पढ़ते हैं, तो हम जो ज़ीरो है वो 1,000 के कॉलम में राइट करेंगे, 1 जो है वो 10,000 के कॉलम में राइट करेंगे। देन 500, और जो 9 है लास्ट पे, वो हमें सिंगल डिजिट दिया गया, तो इसको हम वंस में राइट करेंगे। अब हमारे पास टेंस की प्लेस में कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर हम ज़ीरो राइट कर देंगे, ठीक है। आगे है 14,041, तो 1 for 14,041, ठीक है। अब इसमें हमें 100 के कॉलम का कोई डिजिट नहीं दिया गया, तो उस पर हम ज़ीरो राइट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट दिस नंबर इन 10,000, 1,000, 100, 10 एंड 1। अब इसमें हमने इनको सेपरेटली ये इनकी ये प्लेस वैल्यू में ये राइट करना है। देखें, 1, 10, 100, 1,000 एंड 10, 10,000। तो 5 हमारे पास 10,000 है, वो राइट करेंगे 5, 10,000। देन क्या है? 6,000। देन 0, 100, 1, 10 एंड 3, 1s।
ठीक है बच्चों, आपने इसको इस तरीके से सेपरेटली हर प्लेस वैल्यू में राइट करना है। सो बच्चों पेज नंबर 12 पे आपको ये प्लेस वैल्यूज ही राइट करके दे दी गई हैं। तो पेज नंबर 13 पे हमारे पास क्वेश्चंस हैं। लुक एट द फॉलोइंग फोर डिजिट नंबर्स, वन ऑफ द डिजिट्स हैज बीन सर्कल्ड, राइट इट्स वैल्यू एंड ड्रॉ बिग्स वन ऑफ द ऑन द अबैकस टू शो द वैल्यू। अब आपको फोर डिजिट का नंबर दे दिया गया है, ठीक है, उसमें से एक डिजिट को उन्होंने सर्कल किया हुआ है। अब वो बोल रहा है कि आपने इस सर्कल डिजिट की प्लेस वैल्यू भी बतानी है एंड देन उसी प्लेस वैल्यू के अबैकस में आपने बिग्स भी ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें नंबर दे दिया गया है, ठीक है, उसके ऊपर हम ये पीरियड सिस्टम राइट करेंगे, 0, 1, 10, 100 एंड 1000। अब 1000 के कॉलम में जो हमारे पास नंबर है उसको उन्होंने सर्कल किया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9000, ठीक है बच्चों। एंड देन यहाँ पे देखें अबैकस के ऊपर उन्होंने हमें पीरियड सिस्टम राइट करके दे दिया गया है, तो अब हम 1000 के जो ये है स्टिक है उस पर हम 9 बीट्स ड्रॉ करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो अब हमने इस पर 9 जो अबैकस हैं वो ड्रॉ कर दिए, 9 बीग्स ड्रॉ कर दिए। देन पार्ट सी है इसके, इस पर भी आप प्लेस वैल्यू राइट करोगे, जो डिजिट सर्कल है उसकी प्लेस वैल्यू लिखने के बाद इस तरीके से अबैकस में उसका ये बीग्स हमने ड्रॉ करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट। सो बच्चों आपने इन पे भी डिजिट में सबसे पहले प्लेस वैल्यूज राइट करनी है, 1, 10, 100 एंड 1000, और जिस प्लेस वैल्यू पे आपको ये सर्कल डिजिट जो है वो सर्कल करके दे दिया जाएगा, आपने वही प्लेस वैल्यू यहाँ पे राइट कर देनी है। जिस तरीके से ये 4 वंस पे था तो 4 वंस राइट किया है, या फिर हम इसको सिंपली 4 भी राइट कर सकते हैं, आपने दोनों राइट करने हैं। नेक्स्ट क्या है, सी वाले में हमारे पास जो 100 की ये प्लेस वैल्यू पे डिजिट है उसको सर्कल किया हुआ है, तो मैंने लिखा है 100 और 100। तो इसी तरीके से बच्चों अपने ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये चैलेंज है कि हमने द स्मॉलेस्ट डिजिट्स लिखने हैं और द ग्रेटेस्ट लिखने हैं। अच्छा बच्चों हमारे पास जो काउंटिंग है वो 0 से लेके 9 तक है, ठीक है, इनमें हमारे पास जो 9 है वो सबसे बड़ा डिजिट है और जो 0 और 1 है ये स्मॉलर हैं, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट हैं। 9 जो है वो ग्रेटेस्ट है और 0 एंड 1 जो है वो स्मॉलेस्ट हैं। अब यहाँ पे इन्होंने हमें चैलेंज क्या दिया कि हमने ये जो इनकी रिक्वायर्ड डिजिट्स हैं इन पे हमने ये नंबर्स राइट करने हैं, 3 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, 20 राइट करेंगे। अब हम 3 के 3 0 तो नहीं ना राइट कर सकते, वो तो हमारे पास डिजिट ही नहीं बनेगा, तो हम 00 राइट करेंगे एंड देन 1, 1, 2, 3, 3 डिजिट हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। 4 डिजिट है तो 1, 2, 3 एंड देन जो 4 वाला है उस पर हम 1 राइट कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, द ग्रेटेस्ट बड़ा। बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि जो 9 है वो सबसे बड़ा है, तो 2 डिजिट है तो हम 2 टाइम 9 लिख देंगे, 3 डिजिट है तो हम 3 टाइम 9 लिख देंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने इसको सॉल्व किया हुआ है, तो आपने इसको ये प्रिपेयर करना है। सो बच्चों पेज नंबर 14 लास्ट पेज है हमारा, ठीक है, इस पर हमने क्या करना है, राइट 4 और 5 डिजिट्स नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना, एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स ये बड़ा करके लिखना, खोल के लिखना। इन मैथ एक्सपेंडिंग मीन्स राइटिंग आउट अ नंबर शोइंग ऑल द पार्ट्स दैट मेक इट अप। यानी कि मैथ्स में एक्सपेंडिंग का क्या मतलब है कि उन तमाम नंबर्स को शो करना जो कि उस डिजिट को, उस नंबर को बनाने में यूज हुए हैं, ठीक है। तो अब हम ये अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, क्या है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडिड फॉर्म। तो ये सबसे पहले हम ये 1 से स्टार्ट करेंगे, जो लास्ट वाला नंबर है वो राइट करेंगे, प्लस देन 3 किस प्लेस पे है, 3 के बाद कितनी डिजिट है 1, तो हम 3 के बाद 10 राइट कर देंगे, प्लस नेक्स्ट डिजिट लिखेंगे 8 के बाद कितनी डिजिट है हमारे पास 1 एंड 2 20 राइट कर देंगे, देन प्लस का साइन एंड देन लास्ट वाला डिजिट 6 एंड देन 1, 2 एंड 3 डिजिट है तो 30 राइट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बच्चों पार्ट एफ में आपके पास ये 10000 से डिजिट स्टार्ट हो गए, तो वो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये 7, देन प्लस का साइन, 7 के बाद 3 है, 3 के बाद कितनी डिजिट है हमारे पास 1 है, तो 10 राइट करेंगे, प्लस 3 से आगे 4 एंड 4 के बाद 1, 2 डिजिट हैं, 20 राइट करेंगे, प्लस
देन ज़ीरो। अच्छा ज़ीरो हम सिंगल भी राइट कर सकते हैं और ज़ीरो के बाद वाले जो डिजिट है हम वो भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। इतनी ज़ीरो राइट कर सकते हैं, ज़ीरो हम सिंगल सिंगल लिखें या ये तरीके से लिखें तो वो सेम होगा। लास्ट हमारे पास फाइव है, फाइव के बाद कितने डिजिट हैं, फोर, वन टू थ्री फोर, फोर ज़ीरो राइट कर देंगे, ठीक है बच्चों। ये सारी एक्टिविटीज़ जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं वो सारे आपने प्रिपेयर करने हैं। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।